अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, आई होप आप ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे बीफ आलू कीमा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी। इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 1 kg कीमा लेंगे, ये छोटे मीडियम साइज के आलू है 4। 1 प्याज लेंगे इस साइज का, 4 हरी मिर्ची लेंगे, 4 से 5 जवे लहसुन के लेंगे, 1 टुकड़ा अदरक का लेंगे, 2 बड़े टमाटर लेंगे, अगर छोटे टमाटर है तो 4 लेंगे, लाल मिर्ची 1.5 चम्मच लेंगे, नमक हसबी जरूरत, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, लौंग और काली मिर्ची 4 से 5 ये लेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। 1.5 चम्मच ऑयल और 1 प्याज, और इसको ब्राउन करते हैं। प्याज हमारे ब्राउन होने वाले हैं, ये बड़ी इलायची डालेंगे, ये दालचीनी का टुकड़ा, ये लौंग और काली मिर्ची ये डालेंगे। अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 2 चम्मच भर के, क्योंकि ये बीफ का है तो इसमें ज्यादा लहसुन अदरक डलता है। जितना कीमे का अपना पानी था उसको ड्राई करके फिर इसमें स्पाइसेस और टमाटर शामिल करेंगे। पानी सारा ड्राई हो गया और आए हमारे सेपरेट हो गया, तो अभी इसमें सारी स्पाइसेस डाल देंगे। अच्छा, 10 से 15 मिनट तक मैंने मसालों को साफ पका लिया। अभी इसमें टमाटर डालेंगे। एक गिलास गरम पानी शामिल करेंगे। बीफ का कीमा है, इसको अच्छी तरह हम गलाएंगे। आप आलू बॉईल करके भी डाल सकते हैं, मैं वैसे डाल रही हूँ। आलू हमें शामिल कर दिए इसमें, अभी इसको अच्छी तरह हम लोग पकाएंगे। टमाटर भी हमारे गल जाएंगे और आलू भी। अच्छा, 25 से 30 मिनट तक अभी इसको रखेंगे पकाने। 25 से 30 मिनट हो गए, अभी इसको देखते हैं। आलू गल गए हमारे, तो हाई फ्लेम पे बनाएंगे। अभी इसका पानी ड्राई करेंगे। अभी आलू कीमा चेक करते हैं, पानी ड्राई हो गया। हमें हरी मिर्ची गार्निश के लिए डालते हैं, ये हरी मिर्ची 3 से 4। हरी मिर्ची को 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो गए, हमारा मिर्ची बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, सालन हमारा बन गया। अभी 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डालेंगे। बीफ आलू कीमा हमारा बन गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। कल मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।